बहुत टेंशन वाला माहौल है क्योंकि मनु को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि राजवैद्य जी ब्लाइंड फोल्डेड है, तो वो अगर नस वो मतलब पल्स अगर गिन लेंगे बराबर तो वो सच बता देंगे, क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा कि मणिकर्णिका या रॉस है या कोई और है, तो इसे वो सच ही बोलेंगे। पर वो झूठ बोलते हैं, वो सपोर्ट करते हैं मनु का, तो वही हमारा शॉकिंग पॉइंट है। मनु के मन में यही चल रहा है कि अगर उसकी सच्चाई पकड़ी जाएगी तो वो पूरा बोल देगी महाराज को, सब कुछ बता देगी कि हाँ वही क्रांतिकारी थी, उन्होंने ऐसा किया था। डर तो लग ही रहा है मनु को, पर वो निडर है, वो बोलते कि नहीं हम हिंदुस्तानी और देश प्रेम अगर दिल में है तो वो सच बोलते। हाँ, रॉस को लगता है कि मैंने ही किया होगा, क्योंकि अब तक के जितने भी प्लान्स उनके अनसक्सेसफुल हुए वो मेरे वजह से ही हुए थे, तो इस बार मैंने पहली बार छुपके किया है, तो उन्हें लगता है कि हाँ मैंने ही किया, क्योंकि साकरपुड़ा में थोड़ा सा मैं डिजी भी थी सीक्वेंस के हिसाब से, तो इसलिए थोड़ा शक है उन्हें। मेरे जो प्यारे फैंस हैं, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें सपोर्ट करते हैं, मुझे ही नहीं मेरे जो पूरी कास्ट है उनकी तरफ से बहुत सारा प्यार, और मेरा तो एक विश है कि मैं आप हर एक को मिलूँ, बट बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, बट आई वुड लव टू मीट एवरीवन। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, दिल्ली हो या यू नो भोपाल हो या कहीं भी हो, एनी प्लेस आई गो इन इंडिया और इंडिया के बाहर, मैं मिलती हूँ मेरे फैंस से, सो थैंक यू सो मच, आप मोटिवेट करते हैं मुझे हर दिन अच्छा करके।